हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करें, और दूसरी बात की अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। आज मैं इसका पहला पार्ट लेके आ रहा हूं और अगले वीडियो में मैं इसके आधे एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों होती क्या है। देखो भाई, 10th क्लास में आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, वो इसी का छोटा वर्जन है, कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लाइट होता है ना, पबजी का बड़ा वर्जन, पबजी का छोटा वर्जन, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बड़ा वर्जन है और जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं वो एकदम लाइट वर्जन है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? किसी भी एलिमेंट को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना। किस ऑर्डर में जमाना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, ठीक है, कि भाई ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये कैसे अपन ने कैलकुलेट करा? तो भाई इसे हमने कैसे कैलकुलेट करा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन ने प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना। क्या माना? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना, और उसे रेफरेंस मान के हमने इन सबको कैलकुलेट करा है। इन सबको क्या करा है? कैलकुलेट करा है। उस कहानी के लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए सबसे पहली कहानी आती है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद रखा जाए, तो इसे एक कहानी के तौर पर समझाते हैं। कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जो थे अपने, वो क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। मान लीजिए उनकी बांसुरी कैसी हो गई? लीक हो गई। तो इसे ऐसे याद रखिए, देखिए, लीक बांसुरी, लीक बांसुरी, उनकी बांसुरी कैसी हो गई? लीक हो गई। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज समझा दूं। यहां क्या हो रहा है, देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, जहां पे कोई भी मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। देखो, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाता है? अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और राइट हैंड साइड पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ऐसे समझिए, आर फॉर राइट हैंड साइड, आर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए देखिए, ये रिड्यूस हुआ तो इधर क्या आ गया? आपका रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। चलिए, तो लीक बांसुरी का, अब कृष्ण भगवान की बांसुरी कैसी हो गई? लीक बांसुरी, सॉरी, इसको ऐसे लिखो, ज्यादा इजी पड़ेगा, लीक बांसुरी, अब कान्हा नहीं, काना, क्या मांग रहे हैं? मांगे आलू। चलिए, तो हमें क्या पता चला? लीक बांसुरी काना मांगे आलू। चलिए, आपको क्या समझ आ रहा है? हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लिथियम का सबसे निगेटिव है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए भाई, आ गए अपन लीक बांसुरी काना मांगे आलू। चलो, कभी पब गए हो सकता है, इस उम्र में अभी तो नहीं गए हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज उठा लो, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज उठा लो, पब वब तो सब जाओगे ही, सब अच्छा हो जाएगा, वहां पे पब जाने वाला पार्टनर मिल जाएगा, ये सब आपकी लाइफ के पार्ट होते जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लीक बांसुरी का ना मांगे आलू, लोग पब जाते हैं तो ऐसे नहीं कि हम जैसे घर के कपड़े पहने और पब निकल गए, भाई फैशन वैशन करते हैं। क्या करते हैं? फैशन वैशन करते हैं। तो जन मतलब होता है लोग, जन करें, अब मैं फैशन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, देखो ना, मैं फैशन नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? फैनिसन, किस, कहां जाने के लिए? पब जाने के लिए, जन करें फैनिसन पब जाने के लिए। और जैसे ही पब पे आके कहानी खत्म हुई, देखिएगा, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, जिसका रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कितना मानते हैं बच्चों? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मानते हैं
जीरो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी जीरो। चलिए तो लीग बासुरी काना मांगे आलू, जन करे फैनिसन, कहां जाने के लिए, पब जाने के लिए। लीक बासुरी काना मांगे आलू, जन करे फैनिसन, पब जाने के लिए क्या समझ आ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें यही चीज उल्टी दी हुई है, लेकिन आप उससे याद मत कीजिए, इसे देखिए बहुत इजी पड़ेगा। अब क्या हुआ, एक बंदी है कुक्कू नाम की, तो हमने उस बंदी का नाम रखा कुकुई फे, कुकुई, या हिंदी मातृभाषा है उसमें लिखना ज्यादा इजी होगा, कु कु ई फे। अभी देखो यहां आयरन जो था अपना किस कहां था, कहां गया आयरन, ये आयरन था प्लस टू वाला। अब इसे ऐसे समझ लो कि ये जो नीचे आ रहा है वो प्लस थ्री वाला है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, एक इलेक्ट्रॉन लेके प्लस टू वाले में कन्वर्ट हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कुकु ई फे, उसको अपन ने करा आज हग, आज अपन ने उसे क्या करा, हग करा। आप लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे, टीनेजर्स हो, हग करना क्या होता है, थोड़ा सा रोना आ गया, मम्मी गिवनिया हग। तो कुकुई फे को आज हमने हग करा, बेचारा मतलब ब्रोमी, बेचारा कल हग क्या करा, चोरी करके, बेचारा कल गोल्ड, गोल्ड मतलब एयू, गोल्ड लेके फरार, गोल्ड लेके फरार। बस दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पता चल रहा है, इसका क्या है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का है। किसका है, फ्लोरीन का। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लिया, तो याद करना तो आपके इंटरनेट में बहुत सारी जिंगल है, बहुत सारी आपको जिंगल मिल जाए, लेकिन मेन जो मैटर है आप लोगों का, मेन जो मैटर है वो ये है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन क्या है। तो अगली कहानी है अपनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को अपन ने क्या नाम दिया, रिएक्टिविटी सीरीज नाम दिया। चलिए सबसे पहला है रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स। इसको ऐसे समझिएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, यहां पे था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद करना अगर भूल जाओ तो, R फॉर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे मैंने क्या लिया था, R फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिया था, रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए इसको याद करते हैं अपन, लिथियम प्लस था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हुआ, लिथियम, आपको ही पता चल रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसके लिए, या इसको ऐसे मत बना लीजिए, इसके लिए जो ई नॉट आर पी था, मतलब ई नॉट लिथियम प्लस, जब लिथियम में कन्वर्ट हो, लिथियम प्लस लिथियम में कन्वर्ट हो, हाफ सेल रिएक्शन बताता है, दिस इज अ हाफ सेल रिएक्शन, इसके लिए था -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। चलिए बीच में कौन आया आपका, टू हाइड्रोजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू द H2 गैस, इसके लिए आपको क्या पता चला, आपका जो हाइड्रोजन आयन था वो जब हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा तो ये कितना है, 0.00 वोल्ट। सिमिलरली लास्ट में कौन आया, फ्लोरीन जो कि नॉन मेटल है, दो इलेक्ट्रॉन लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2F-, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है बच्चों आपका, F2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, F- में, ठीक है, मतलब रिडक्शन हो रहा, मतलब ये कितना आया था, +2.87 वोल्ट, कितना आया, +2.87 वोल्ट। अब ध्यान देना बच्चों, जो राइट हैंड साइड है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ग्रेट पॉइंट देखना, पॉइंट बना बना के, ग्रेटर द निगेटिव ईनॉट आरपी, ग्रेटर द निगेटिव ईनॉट आरपी, बेटर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो किधर साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो आपको क्या समझ आ रहा है,
ग्रेटर द निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी द या बेटर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन राइट हैंड साइड मतलब सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो कौन होता है? लिथियम. कौन होता है? लिथियम, ना कि लिथियम आयन. अब एज ई नॉट आरपी इंक्रीजेस ठीक है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस. लेकिन रिड्यूसिंग पावर किधर है? अपनी राइट हैंड साइड. मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका ई नॉट आर पी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, मतलब नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होती जाएगी बच्चों? डिक्रीज होती जाएगी. मतलब सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन पता चला आपको? लिथियम. मतलब द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू लिथियम. क्यों? ई नॉट आर पी सबसे ज्यादा निगेटिव -3.05 वोल्ट. मतलब इससे और क्या पता चला आपको? लिथियम कैन रिड्यूस टू एवरीवन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लिथियम सबको रिड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? सबसे ज्यादा निगेटिव. ये देखिए, अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर पे. किस पे आते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर पे. चलिए अब आपको क्या पता चला? ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस साइड दिखती है आपको? लेफ्ट हैंड साइड. और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाने पर बढ़ती है. लेफ्ट हैंड साइड देखी जाती है. ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर द ई नॉट आर पी ग्रेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कहां देखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड. मतलब आपको क्या पता चला? ग्रेटर द E not RP greater will be the oxidizing power. लेकिन ये किधर साइड है? लेफ्ट हैंड साइड. मतलब आपको क्या पता चला? एज वी गो डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस. लेकिन ये भी किधर देखेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अगला क्या पता चला आपको? फ्लोरीन इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फ्लोरीन क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरी केमिस्ट्री में. बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इसका जो ई नॉट आरपी है वो कितना? सबसे ज्यादा पॉजिटिव 2.87. मतलब आपको क्या पता चला? फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज एवरीवन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. मतलब आपको क्या पता चला? फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज एवरीवन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और टॉप से बॉटम जा रहे हो तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस. लेकिन वो किधर की बात होगी? वो लेफ्ट हैंड साइड की. इस तरीके से आप रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या कर सकते हो बच्चों? पता कर सकते हो. बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम है. बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम है. इसे नोट डाउन कर लीजिए. चलिए बच्चों, अगली अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का. वो होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन और पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. चलिए, ये कब पॉसिबल है? अब इसको आप ऐसा समझिए कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो उसे बताने के लिए मैं अपना एक तरीका अपना रहा हूं. इसको ध्यान दीजिएगा, हमने बोला राइट हैंड साइड पे आर को पकड़िए. राइट हैंड साइड पे क्या होता है अपना? आर को पकड़िए, रिड्यूसिंग एजेंट. राइट हैंड साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर साइड मतलब ऊपर होना चाहिए. रिड्यूसिंग एजेंट कौन? राइट हैंड साइड. कैसे पहचानेंगे? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिना चार्ज वाला. मेटल के केस में बिना
चार्ज वाला, मेटल के केस में बिना चार्ज वाला, जैसे Zn प्लस टू रिड्यूस हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में कन्वर्ट हो गया, Cu प्लस टू रिड्यूस हुआ और Cu में कन्वर्ट हो गया, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग एजेंट, और उन्हें किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे किधर होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। चलो अगर ये तीनों केसेस फुलफिल होते हैं, इसको भूल भी जाओ, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। आप सोच रहे होगे क्या बकवास लिखती साला, क्या टीचर है, क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये। तो इसको ऐसे समझिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है Zn सॉलिड, आपके पास है Cu प्लस टू, या Zn सॉलिड Cu प्लस टू मतलब CuSO4, इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ध्यान दीजिए इसको, Zn, अब मैंने क्या बोला Zn, अब आपको क्या पता है Zn किधर आता है, राइट हैंड साइड, क्योंकि Zn प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेके किधर हो गया, राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड आता है, राइट हैंड साइड वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो बच्चों, पहली कंडीशन भी फुलफिल, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल, क्या ये ऊपर है, तो याद करो लीक बासुरी काना मांगे आलू, लीक बासुरी काना मांगे आलू, जन 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 ऊपर, करे फैनिसन पब हां पब हां, फिर कुकू मतलब कॉपर तो किधर है, नीचे है, मतलब ये अपर भी है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, अपर भी है, ये कंडीशन भी फुलफिल, राइट हैंड साइड ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, मतलब ये रिएक्शन कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस हुई। अब जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बच्चों, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप जिंक के कंटेनर, जिंक के कंटेनर या पॉट में, जिंक के कंटेनर या पॉट में अगर CuSO4 को रख दोगे तो ये Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, ZnSO4 प्लस Cu, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट कैप्ट CuSO4 इन जिंक कंटेनर बिकॉज इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए इसका मतलब अपने को एक और क्या पता चला बच्चों, जो मेटल ऊपर होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है मेटल नीचे की तुलना में। इसका मतलब अपने को क्या पता चला, मेटल प्रेजेंट अबव अपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मोर रिएक्टिव। मतलब आपको क्या पता चला कि लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी और रिएक्टिविटी नीचे जाने पे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगला क्या पता चला, एज वी गो डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं, अभी तो समय बंधा है, इस समय को आगे बढ़ाना है अपने को, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग खुद ही बताइएगा, अगर ये याद हो गया तो ये कॉन्सेप्ट अपना याद रखना। चलिए मुझे बता दीजिए, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है Cu प्लस टू और या अब रखते हैं Cu सॉलिड और रखते हैं Zn प्लस टू, या Zn प्लस टू मतलब Zn का आयन है, चलो भाई ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, तो हमें क्या पता है जो बिना चार्ज वाला है, बिना चार्ज वाला मतलब कॉपर किधर है, बिना चार्ज वाला कॉपर प्लस टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन कॉपर में, कॉपर प्लस वन प्लस एक इलेक्ट्रॉन कॉपर में, मतलब ये क्या हो गया। आयरन के केस में कुछ उल्टा भी हो तो कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन 99.9% पे यही अप्लाई होगा। तो आपका कॉपर सॉलिड है, मतलब आपको क्या पता चला ये राइट हैंड साइड पे है, क्योंकि देखो कॉपर प्लस टू रिड्यूसिंग एजेंट है तो राइट हैंड साइड पे ही होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट। चलो ये भी कहानी सही, ये भी कहानी सही, लेकिन कॉपर नीचे आता है या ऊपर आता है, रिड्यूसिंग एजेंट को हमेशा कैसे आना चाहिए था, ऊपर, लेकिन कॉपर तो जिंक की तुलना में बिलो है, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब ये कैसी है,
नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या पता चला? आप कॉपर के बर्तन में, इन द पॉट ऑफ कॉपर, यू कैन कैप्ट ZnSO4 इन कॉपर पॉट या कॉपर कंटेनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप किसको किसके कंटेनर में रख सकते हो और किसको नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक की और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा और पढ़ते रहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट याद करते रहिए, इनको अप्लाई करते रहिए, अलग अलग बुक्स में रेफर करते रहिए, मजा तभी आएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, मेरे पास अगर एग्जांपल है, चलो मेरे पास है एक एग्जांपल के तौर पे कॉपर सॉलिड और मेरे पास है Ag+। अब मुझे बताना ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। चलिए कॉपर सॉलिड मतलब आपको क्या पता चल रहा है, Ag+ है, कई बार AgNO3 दे दे आपको, चलो आपको ही पता है ये आयन के फॉर्म में होगा। अब आपको पता चल रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब राइट हैंड साइड वाला रिड्यूसिंग एजेंट। अब बता करो कि ये अपर है या नहीं, अगर अपर होगा तो स्पॉन्टेनियस होगी। अपर लीक बासरी काना मांगे आलू जनकर फैनिसन पब जाने के लिए, हाँ कुकुइफे कॉपर कुकुइफे को आज अपन ने क्या करा, आज मतलब सिल्वर था, कुकुइफे आज मतलब सिल्वर था। जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार फिर से याद करिएगा, कॉपर ऊपर आता है मतलब यस ये अपर है, मतलब आर आर आर, ये रिएक्शन भी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये रिएक्शन भी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब आप अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कॉपर के बर्तन में AgNO3 नहीं रख सकते, इससे क्या पता चला, कॉपर इज प्रेजेंट अबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कॉपर इज प्रेजेंट अबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर, इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सो इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इस तरीके से आप बच्चों मेटल की रिएक्टिविटी का पता लगा सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर का पता लगा सकते हैं। ये आज हमारा पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। बच्चों अगला लेक्चर में आप ये देखेंगे कि भाई और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।